Well, hi guys, welcome to our YouTube channel, Abhisha Vlogs. Who nahi gaya? Main gaya? Chalo, saath mein karte hain. 1, 2, 3. Woo! So guys, आज का vlog हम उड़ारियाँ के set का ही vlog बनाने वाले हैं क्योंकि आज हमारा एक और scene है साथ में और मैं 1 बज गया दोपहर की और मैं जा रहा हूँ सेट पे. मैंने वर्कआउट नहीं किया क्योंकि मैं रात को आपके लिए मैं व्लॉग एडिट कर रहा था तो मैं लेट उठा, तो मैं जब सेट के बीच में थोड़ा सा फ्री होऊंगा तो मैं जाके आऊँगा वर्कआउट करने. और अभी मैं जा रहा हूँ सेट पे. ईशा तो सेट पे ही है, उसका कॉल टाइम जल्दी था तो वो चली गई है और फिर मैं वहाँ पर जाके ईशा से मिलवाता हूँ. और वेदर बड़ा सेक्सी सा हो रहा है, आई मीन आंधी तूफान टाइप्स हो रहा है, हल्का हल्का शायद बारिश भी आए. तो मैं दिखाता हूँ आपको वेदर. लेट्स गो. ओ गाइस, फाइनली आई एम ऑन सेट एंड वेलकम टू अभिषा व्लॉग्स. आज मैंने बोला स्टार्टिंग कैसे करी है, मैंने बोला वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिषा व्लॉग्स. वो नहीं किया, चलो साथ में करते हैं. 1, 2, 3. वो मतलब ये ऑडियंस ऐसे कह रही है, मैंने ऐसे किया, इनको तो आदत हो गई होगी ना इस चीज की. तो गाइस देखना बैठ के क्या एडिट करके दिखा दो दोस्त. वीडियो अरे हटाओ. अरे इसको मैं कितना मारते, इसको मैंने कब से बोला हुआ है, एक प्रमोशन आया हुआ है अभी रील का और मैंने इसको कल से बोला हुआ है और अभी तक इसने एडिट नहीं करा. वाओ, स्लोमो लगा देना, मोमेंट स्लोमो कर देना तो अच्छा हो जाएगा. क्या बकरी साहब से कर रहे हैं, मैं इसको क्यों स्लोमो करूं फ्लैशबैक्स को? अरे वो क्यूट लगेंगे, अच्छे लगेंगे. फ्लैशबैक को स्लोमो करूं? हां. ओ यार, 50 सेकंड की वीडियो बनानी है क्या? अरे छोटे-छोटे क्लिप्स बोल रहा हूं. ओ तुम पागल हो गए. हां भाई पागल कौन हूं मैं. हेलो, हाउ अबाउट फैन? गुड. कट हो गया. कौन की जरूरत है? वो कट हो गया. प्रीत भाई इन द हाउस. ये देख रहे हो हमारे सेट के जो आर्ट डायरेक्टर्स हैं कैसे किसी भी चीज को क्या बना देते हैं. देखो हमारा ये हॉल था और इसको बना दिया है हॉस्पिटल. देखो वो है संधू हाउस, ये इधर है वर्क हाउस, पर हम बाद में इसकी व्लॉगिंग करेंगे. और ये हैं सिमरन दीदी जो जा रही हैं कहीं. सारा परिवार, सारा परिवार ही है. गोली जी लगी तो उरी बैठी है. हम एक सीन करने वाले हैं, देखना अगली ये इंग्लिश सीखेगी तभी मैं शादी करूँगा. अगर तो इंग्लिश नहीं सीख रही तो मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा. अरे रुक जाओ, छोड़ दो. सही लग रहा है देखो अभी. अभी पागल में बस कर मेरे. हट दे,
यार अब तो बात कर लो मेरे से, अब तो लंच ब्रेक भी हो गई है। यार इसने मेरे से कितने बज गए, मैं सुबह 11 बजे का आया हूँ, अब 3 बज रहे हैं, और इसने मेरे को कल बोल दिया था कि मैं इग्नोर करूंगी, और मुझे नहीं पता था कि सच में इग्नोर करने वाली है। तो मैंने सोचा मैं इसका व्लॉग बना लेता हूँ। तुम कितने घंटे मेरे को इग्नोर करने वाली हो बता दो तेजू जी। हाँ जी, ये मेरे को 24 आवर्स तक इग्नोर करने वाली, आपको लगता है कर पाएगी? आई लव सच गेम्स, मैं बहुत खेलती हूँ। एक दिन नो बात, तो ये कर एक दिन सिर्फ लड़ाई, एक दिन सिर्फ प्यार, आपको लगता है ये कर पाएगी? आई थिंक ये तो कर लेगी, अपना पूछ। मतलब हस्बैंड ही, मतलब इसने इग्नोर नहीं किया मेरी बात भी, हंसी होगी। कोई बैठा है क्या यहाँ पे? कोई है क्या यहाँ ब्लॉग? कोई बैठा है क्या यहाँ पे? यार ये गलत बात है, मैं इधर अभी मैनर्स से थोड़ा सा खटखटाने की। अंकित भाई, ईशा मेरे को 24 घंटे के लिए इग्नोर करने वाली है, तो आपको क्या लगता है वो कर पाएगी? मैंने तो कितनी बार उसको बुला दिया, इस बार उसने बुलाया ही नहीं मुझे। हाँ यार फतेह जो दोनों सेम सेम बोलते हैं। ईशा मैं भी कल फिर बात नहीं करूंगा। ओए जब तक मैं अंडे खाऊंगा तब तक तुम लंच नहीं करोगे? जब तुम अंडे खाना चाहते होगे। ये देखो मैं कंटेंट ले लूँ। इट्स ओके, कर लो बात यार प्लीज। देखो अगर हंसी हंसने का भी मतलब, आप मेरे को मेरी बात सुन रही हो। अच्छा सुनो, ये क्या कहते हैं, बैग खोलो। हाँ बैग ना उठाओ। हाँ हाँ, और ये जिप बंद कर दो। हाँ गुड, खोल दो, अब इसमें से कुछ निकालो। और बंद करके साइड में रख दो। गुड, और अब हंसते रहो हंसते रहो हंसते रहो हंसते रहो हंसते रहो। हंसो हंसो हंसो, अब कान में उंगलियां लगाओ और मेरे कैमरे की तरफ देखो। हाँ गुड। खाना खा लिया ना, इग्नोर ही नहीं। ये क्या मतलब है यार नीलेश दादा, यार प्लीज आप भी कुछ करो ना कि मेरे को थोड़ी सी इग्नोर ना करे, बुला ले कहो ना कुछ। ईशा जी हमारे भाई को प्लीज ना सताओ, सबसे प्यारे और मेरे तो बहुत फेवरेट है सबसे ज्यादा। यार बुला लो मेरे को, बुला ले। साइलेंस चल रही है। ईशा जी हमारे यहाँ फुटेज पे फुटेज फुटेज पे फुटेज दे रहे हैं। हमारे सर इतने मना रहे, कभी नहीं मान रहे, लेकिन एक ट्रिप तो बनती है मार जाने के लिए, जन्म के लिए। क्या कर लो बात भाई। जो मेरी वजह से पंगा हो गया उसके लिए तो मैं सर को भी बोलूंगा और इनको भी बोलूंगा, प्लीज आपस में मत लड़िए और अच्छे से रहिए। हंस रही है पर बात नहीं कर रही है। नीलेश दादा मुझे आपकी बातों पे हंसी आई है। ओके, और काजल यार ईशा ने अभी वो लिया, प्लेज लिया कि मेरे को 24 आवर्स तक मेरे से बात नहीं करेगी। यार कुछ कहो ना यार, प्लीज इसको बोलो ना मेरे से बात कर ले। बोलो पक्का, उसके हाँ। लिए तो अच्छा ही हो गया ना, बात कर ले। कुछ भी जबरदस्ती मत करो नाम जुड़े भाई। अरे बोल दो यार, बोल दो क्या बोल। तो गाइस पूरा दिन ये बाहर रही, शॉट देती रही और बिल्कुल, और अभी वापस आके रूम में मेरे बैठ गई है पर मेरे साथ बात नहीं कर रही है। ईशा कर लो बात। ओए भाई भाई, कितना टाइम हो गया? 11 बजे से मैं आया हुआ हूँ और 8 बज गए हैं रात के, ऑलमोस्ट 12 आवर्स होने वाले हैं एंड शी इज इग्नोरिंग मी। क्या कर लो यार बात। देखो अगर तुमने मेरे साथ बात करी है तो मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा। इसको चॉकलेट पसंद है, ओरियो सिल्क। देखा ओ भाई, फर्स्ट टाइम जब मैं इसके लिए चॉकलेट लेने गया था ना,
मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा था, और मैंने इसको पूछा यार तुम्हें कौन सी चॉकलेट पसंद थी, मेरे को भी खानी है, तो मैं इससे पूछ के फिर से लेके आया, फिर इसको बहुत अच्छा लगा। हंसे भाई देख लो, अगर मैंने इग्नोर करना तुम्हें स्टार्ट कर दिया ना, सुन रही हो, सुन रही हो, अरे ओ गुड ईशा, ओए सुन लो ईशा, ईशा ओ भाई पूरा इग्नोर किया जा रहा है भाई, सच में इसने मेरे से बात नहीं करी है, बात ही नहीं करी है मेरे से यार। अब इसके रूम में जाता हूँ मैं, देखता हूँ क्या होता है। सो गाइस अब मैं इसके रूम में जाने लगा हूँ और देखते हैं मेरे से बात करती है या नहीं। मेरा तो आई थिंक पैकअप हो गया, एक सीन रहता है, पर वो शायद होगा शायद नहीं होगा, तो देखते हैं बात करती है या नहीं। यार यार सुनो, तुम रीज़न तो बताओ क्यों नहीं बात कर रही हो। आई नो यार ये मेरे से नाराज़ है, क्योंकि पता किस बात पे हमारी लड़ाई हुई है, मैं बात नहीं बता रहा हूँ। सुबह क्या हुआ, इसका कॉल टाइम पहले 7 बजे का था, फिर कॉल टाइम इसका 8 बजे का हो गया, तो ना मैं इसके कॉल टाइम से पहले उठ जाता हूँ, पर आज मैं उठा 7:45 तो मेरे को पता चला कि इसका कॉल टाइम भी 8 बजे हो गया। तो मैंने बोला, मैंने सोचा कि यार इसने मेरे को गुड मॉर्निंग टेक्स्ट ही नहीं किया, और जब मैंने उठते ही गुड मॉर्निंग किया इसका भी गुड मॉर्निंग आ गया, मतलब दोनों की टाइमिंग सेम थी है ना, दोनों की टाइमिंग सेम थी। तो मैंने इसको बोला यार क्या इसका मतलब ये थोड़ी कि हमेशा मैं गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करूंगा पहले, तो इस वजह से नाराज है कि तुम इतनी छोटी छोटी बातों पे क्यों लड़ते हो, तो मैंने सॉरी बोल तो दिया। सुनो मत करो, अच्छा सुनो सुनो, अच्छा तुम बता दो तो क्या क्या करूं, तुम मान जाओगी हाँ, जबरदस्ती ये काम कर रही है और ये नीडेड है नहीं इसको। हंस रही है बात नहीं कर रही है, देख लो लोग देख रहे हैं कि मैं कितने एफर्ट पुट कर रहा हूँ, बट स्टिल यू आर नॉट टॉकिंग, दैट्स नॉट गुड। सोच रही है क्या कर रही है, ईशा क्या है यार ये, कब बात करूंगी, फोन खो गया इसका। देख लो ब्लॉग डल जाएगा ये, फिर मत बोलना। अच्छा सुनो तो ये बात बतानी थी मैंने आपको, आपको पता है उस दिन क्या हुआ था? यार इच्छा सुनो, अच्छा मैं दूसरे डायलॉग बोलता हूँ, आप ये डायलॉग बोल देना। लाओ ना सुनो, अगर आप मेरे से बात नहीं करोगे ना, मैं आपसे 3 दिन तक बात नहीं करूँगा। यार ये क्या है, देखो हंसना भी मतलब हंसना भी बात करना होता है, हंस रही है एक बार हंस के तो दिखा दो। सुनो यार कितने प्यारे लग रहे हैं, कहाँ से मतलब अच्छे अच्छे कपड़े देने लग गए हो आपको, यार सुन सुन क्यों नहीं रही हो, जबरदस्ती कोई और स्क्रिप्ट, यही वाला सीन लगा हुआ है यार। ये सच में मेरे से बात नहीं कर रही है, पता नहीं कब बात करेगी, आप लोग ही गायब मना दो। अच्छा ठीक है, अरे चेंजिंग।